नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है अनलोडिंग वॉल और अनलोडिंग वॉल का सर्किट। तो ये पूरा जो टॉपिक है, मैं आपको पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अनलोडिंग वॉल की ज़रूरत क्यों है, फिर उसके बाद ये टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो कंसिडर करिए कि आप मेरा एक पंच और एक डाई का असेंबली है, जहाँ मुझे क्या करना है, एक ऐसा एक वर्क पीस क्या करना है, मुझे बेंड करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, सिलेंडर मेरा रिट्रैक्शन स्ट्रोक में रहेगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्कपीस जो मटेरियल है ब्लैंक मटेरियल वो यहाँ पे रखूँगा। फिर ये जो पंच है, पंच को नीचे लेके आऊँगा। फिर नीचे आने के बाद वो फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस को वो क्या करेगा, ये यू टाइप फॉर्म में क्या करेगा, वो बेंड करेगा और वापस रिट्रैक्शन स्ट्रोक में चला जाएगा। फिर मैं ये जो कम्प्लीटेड वर्कपीस है यहाँ से निकालूँगा, वापस यहाँ पे ब्लैंक रख दूँगा। ये मेरा ऑपरेशन कंटिन्यूस चालू रहेगा, मतलब लोडिंग और अनलोडिंग। तो पहले क्या होता है कि ये आपका जो सिलेंडर है वो या पिस्टन रॉड है वो पंच को लेके नीचे आ रहा है और फिर काम होने के बाद वापस ऊपर उसके होम पोजीशन पे जा रहा है। तो मैक्सिमम मेरा टाइम क्या हो रहा है, मेरा लोडिंग और अनलोडिंग में है। एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन फास्ट है, उसका कुछ ये नहीं है। तो ये जो मेरा लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम में मेरा जो पावर कंजम्पशन है वो वेस्ट जा रहा है। जब ये रिट्रैक्शन स्ट्रोक में जाके रुक जाएगा तब मेरा क्या करेगा, पंप वर्क कर रहा है तो क्या करेगा, वो अननेसेसरी यहाँ से प्रेशर रिलीफ वॉल से वो क्या करेगा, नीचे रिजर्वायर को ऑयल कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहेगा। और आपको पता है कि PRV का जो ओपनिंग है होता वो कम होता है, कम होने की वजह से क्या होगा, आपका ऑयल कंटिन्यूसली हीट होके यहाँ पे नीचे जाएगा और आपका पंप है वो पावर कंजम्पशन करता रहेगा। तो फिर ये पावर कंजम्पशन कम करने के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पे एक अनलोडिंग वॉल का यूज़ किया है। अनलोडिंग वॉल में क्या करूँगा, इसके साथ ही यहाँ पे फिट कर दूँगा और इसका जो कनेक्शन है यहाँ से मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा। अभी क्या होता है, देखो आपका जो PRV है, PRV क्या होता है, आपका जो हाई प्रेशर पे सेट होता है और ये जो होता है आपका अनलोडिंग वॉल वो क्या होता है, लेस प्रेशर पे सेट होता है। अभी पहले क्या कर लेते हैं कि अभी एक्सटेंशन का स्ट्रोक कंसिडर करते हैं। एक्सटेंशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, ऑयल क्या हो रहा है, पंप से डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के P में से A में जा रहा है, ए से आपका जो सिलेंडर है सिलेंडर के ए में जा रहा है। तो सिलेंडर एक्सटेंशन स्ट्रोक में गया, मतलब पंच आगे वर्कपीस की तरफ जा रहा है। जब ये काम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट करूँगा, वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन में सेकंड कंडीशन में DC वॉल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ, ऑयल पी की तरफ से ए की तरफ गया, सॉरी पी की तरफ से बी की तरफ गया, तो क्या होगा, ऑयल पिस्टन रॉड साइड जाएगा। रॉड साइड जाते टाइम क्या करना है, जो आपका रिस्ट्रक्शन स्ट्रोक है उसमें आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, खाली पंच को लेके ऊपर जाना है। तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके आइडल कंडीशन में रुक जाएगा। तब क्या होगा, फिर भी पंप क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली पी की तरफ से बी की तरफ ऑयल को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, मतलब भेज रहा है। तब क्या होगा, ये जो पायलट लाइन है, पायलट लाइन से क्या हो जाएगा, एक प्रेशर आएगा। प्रेशर आने के बाद आपका ये जो नॉर्मली क्लोज जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या किया आपने, लेस प्रेशर पे सेट किया है। मतलब जब आपका आइडल पीरियड है, जब आपका पंच असेंबली ऊपर है, तब क्या होगा, आपका जो ऑयल यहाँ से इधर जा रहा था PRV से, वो क्या होगा, हाई प्रेशर से रिजर्वायर की तरफ नहीं जाएगा। पंप को क्या करना पड़ेगा, लेस वर्क करना पड़ेगा। लेस वर्क करके क्या करेगा, वो 6 bar के प्रेशर से क्या करेगा, वो आपके रिजर्वायर की तरफ ऑयल भेजेगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका पावर कंजम्पशन कम हो रहा है। इसलिए पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला यहाँ पे वैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है इनटू प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो अभी ये जो अनलोडिंग वॉल है, अनलोडिंग वॉल आपका इस ये टाइप में होता है। इसमें क्या है, एक एडजस्टिंग स्क्रू है, स्प्रिंग है, यहाँ पे पॉपेट है आपका, यहाँ से इनलेट फ्रॉम पंप है। इनलेट फ्रॉम पंप मतलब क्या, कौन सा, ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका पायलट लाइन है और यहाँ पे रिजर्वायर लाइन। ये पायलट लाइन कहाँ से आता है, आपका जो लाइन है वहाँ से आता है। तो
पायलट लाइन से अगर प्रेशर आया तो ये जो कॉनिकल पॉपेट है वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के अगेंस्ट लिफ्ट हो जाएगा। लिफ्ट होने के बाद ये जो ओपनिंग है आपकी ओपन हो जाएगी और ऑयल क्या होगा, पंप से सीधा नीचे आपके रिजर्वायर में आएगा। ऐसे ये क्या था, अनलोडिंग वॉल्व था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।